वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ आशी फ्रॉम अमायराज मेकओवर्स। गाइस, आपको पता है इस समय विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स में हम अपने स्किन की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 30 सेकेंड का एक डेमो दूंगी जिसको आपको रोज़ फॉलो करना है और उसके बाद में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरिश, हाइड्रेट एंड इसके साथ साथ ग्लोइंग दिखाई देगी। गाइस, विंटर्स में इस रूटीन को आप चाहे ड्राई स्किन वाले हो, ऑयली स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले हो, चाहे एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले, सभी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो स्किन है, मैं 100% दावा करती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यंग दिखाई देगी। क्योंकि आपको पता है कि पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा वातावरण में, इस पॉल्यूटेड लाइफ के साथ में हमें अपने आप को स्विच करना है और अपनी स्किन को भी उसकी ग्लो को भी बरकरार रखना है। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन हार्मफुल होता है वो हमारी स्किन के लिए होता है, स्किन की नमी को ख़त्म कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि स्किन में बहुत ज़्यादा ब्लैमिशेस दिखाई देते हैं आजकल लोगों की, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इसके साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं जगह जगह एंड एक्ने की प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन के साथ साथ पिंपल्स की प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे। रूटीन बहुत ज़्यादा देर का नहीं है, सिर्फ 30 सेकेंड्स का है, लेकिन उस रूटीन को फॉलो करने से पहले मैं आपको इस सब के बेनिफिट्स बताऊंगी। तो गाइस, एक एक करके देखते हैं कि मेरा ये रूटीन क्या है। गाइस, जिस रूटीन की बात बता रही थी मैं, वो है मेरा इसके नाइट क्रीम का रूटीन, कि रात को हमें रोज़ ही नाइट क्रीम जरूर से अप्लाई करके सोना चाहिए। क्योंकि जब हम रात में सो रहे होते हैं तो इन दैट कंडीशन हमारी जो स्किन सेल्स होते हैं, त्वचा कोशिकाएं होती, वो अपना प्रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करती हैं। जब उस पर हम नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं स्किन पर, तो इनसे क्या होता है कि जो स्किन सेल्स होते हैं वो रिपेयरिंग का काम और ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्किन को, मतलब नाइट क्रीम लगाने से हमारी स्किन को पोषक तत्व मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्किन में नमी दिखाई देती है और स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखाई देती है। जब नमी, मॉइस्चराइजेशन होता है, इसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा यंग दिखाई देने। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो नाइट क्रीम होती है वो सारी स्किन टाइप, चाहे वो ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, एक्स्ट्रा ड्राई हो, सेंसिटिव स्किन हो, किसी भी स्किन टाइप क्यों ना हो, हमारी नाइट क्रीम हर स्किन को सूट करती है, उसे मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है एंड इसके साथ ही साथ उसमें नमी लाती है। लेकिन जब हम नाइट क्रीम लें तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारी स्किन ड्राई है, एक्स्ट्रा ड्राई है या नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में हमें जो नाइट क्रीम चूज़ करनी है वो हमें करनी है जो क्रीम बेस्ड होती है। और अगर हमारी स्किन है सेंसिटिव, ऑयली या कॉम्बिनेशन, तो इन दैट कंडीशन हमें जो नाइट क्रीम यूज़ करनी है वो होनी चाहिए जेल बेस्ड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप नाइट क्रीम लोगे तो सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन वाले ही जेल बेस्ड नाइट क्रीम यूज़ करेंगे, एंड नॉर्मल, एक्स्ट्रा ड्राई एंड ड्राई स्किन वाले जो क्रीम बेस्ड होती है उस तरीके की नाइट क्रीम को अप्लाई करेंगे। गाइस, एक और चीज़ जो आपको बहुत ध्यान देनी है जब आप नाइट क्रीम खरीदने जाओगे, गाइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप नाइट क्रीम खरीदने जाओ तो आप ये देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो कौन सी स्किन टाइप के लिए बनाई गई है, उस पर मेंशन होता है। एंड इसके साथ ही साथ आप ये जरूर देखोगे कि उसमें विटामिन सी, ए और ई होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर उसमें जोजोबा ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, इसके साथ ही साथ शिया बटर है, तो वो वाली नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा बेहतर स्किन के लिए होती है, क्योंकि वो हमारी स्किन में नमी के साथ साथ उससे उसको मॉइस्चराइज करने का काम करती है और रिंकल्स एंड जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हैं उसको भी बहुत हद तक दूर करती है। गाइस, मैं सभी के लिए कहूँगी, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स, क्योंकि इस रूटीन को आप बॉयज़ या गर्ल्स, मैन वुमेन कोई भी फॉलो कर सकता है, और जो भी इसे फॉलो करेगा वाकई में उसकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग दिखाई देगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखाई देगी, उसमें नमी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, स्किन बहुत ज़्यादा आपको ग्लोइंग नज़र आएगी, इसके साथ ही साथ वो आपको हाइड्रेट दिखाई देगी, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेहतर कंडीशन में नज़र आएगी। अगर आप नाइट केयर रूटीन यानी नाइट केयर में भी सिर्फ नाइट क्रीम्स लगाना स्टार्ट कर दो, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको ज़रूर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल दिखाई देगी। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो गर्ल्स के लिए, हम सारे के सारे लोग ना मेकअप करना बहुत पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेकअप करना, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं, मैं लाइट मेकअप करना ही पसंद करती हूँ। बट अगर हमारी स्किन ग्लोइंग नहीं है, उसमें नमी की कमी है, वो हाइड्रेट नहीं है, इस कंडीशन में अगर हम अपने स्किन पे मेकअप अप्लाई करते हैं तो स्किन पे जो मेकअप होता है वो बहुत ही थुप्पा हुआ ऐसा लगता है, लेरी दिखाई देता है, ऐसा लगता है हमने अलग से उस पर कुछ पेंट कर दिया है। अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हो नाइट क्रीम्स वगैरह से, तो इन दैट कंडीशन आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो होगा,
मॉइस्चराइज होगी, नमी होगी उसके अंदर, रिंकल्स नहीं होंगे, फाइन लाइंस नहीं होंगी, वो नेचुरली ब्यूटीफुल आपकी दिखाई देगी। और इस कंडीशन में अगर आप हल्का सा भी बेस या फाउंडेशन या कुछ भी लगाते हो तो आपकी स्किन और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप यंग नज़र आओ, आपकी स्किन अच्छी रहे, तो आपको इस नाइट केयर रूटीन को शामिल करना ही है अपने डेली रूटीन में। इसको जैसे आप खाने को नहीं भूलते हो, ठीक इसी तरीके से ये जो स्किन फूड है, नाइट क्रीम एक तरीके से हमारी स्किन का फूड है, आपको किसी भी कंडीशन में इसे भूलना। आपको बता दें कि नाइट क्रीम्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखाई देगी, हाइड्रेटेड दिखाई देगी, मॉइस्चराइज भी होगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको नाइट क्रीम को अप्लाई करना है कैसे। तो सबसे पहले आपकी स्किन पर अगर मेकअप है तो आपको पता ही है, मेरी मेकअप रिमूवर वाली आप वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से आपको मेकअप रिमूव करना है। एंड इसके अलावा अगर आपने स्किन पर, आप घर में ही रह रहे हो, आपने किसी तरीके का कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया हो, तो इन दैट कंडीशन आप क्या करो, नॉर्मली अगर आप फेस वॉश करना चाहो फेस वॉश कर सकते हो। अगर आपके पास में स्किन टिश्यूज हैं, फेस टिश्यूज हैं, तो इन टिश्यूज से आप अपनी स्किन को साफ कर लीजिए। चाहे वो किसी भी तरीके से, आपको पहले अपनी स्किन को साफ करना है, चाहे आप क्लिंजर के थ्रू करो, चाहे फेस वॉश के थ्रू करो, या आप जो वाइप्स होते हैं, फेस वाइप्स होते हैं, उन फेस वाइप्स से सिर्फ आप अपनी स्किन को पोंछ लो, अच्छे से वाइप कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ये मेरी नाइट क्रीम है, मैं इस नाइट क्रीम को आपको यूज़ करके बताती हूँ कि बस इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है, और आपको यहाँ डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है यहाँ। यहाँ अप्लाई करके आपको क्या करना है, जगह जगह जहाँ जहाँ आपको ऐसे डॉट्स करके आपको, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी क्वांटिटी ली है आपको बहुत, और ये एरिया आपको, ये एरिया भी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। अब क्या करना है, मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लगाया, अब आपको इसी को क्या करना है, पूरी स्किन पे फैलाना है, बहुत अच्छे से आपको अपनी स्किन पे इसे लगाना है। कोई भी एरिया आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो नोज़ एरिया हो, चाहे लिप के आसपास के, या यहाँ पर, सब जगह आपको नाइट क्रीम को अप्लाई करना है। एक और चीज़, आपको जो लिप्स हैं, अगर आपके पास में कोई भी लिप केयर, लिप बाम नहीं है, तो आप नाइट क्रीम को ही आप पूरे फेस पे अप्लाई करोगे। देखिए गाइस, इसके बाद भी मेरी इतनी सारी नाइट क्रीम बच गई। अगर मैं उसको हाथ में लेती और उसके बाद अप्लाई करती तो वो रिज़ल्ट नहीं आता। तो गाइस, आपने इसके बेनिफिट्स देख लिए, लगाने का तरीका देख लिया कि नाइट क्रीम्स को कैसे अप्लाई करना है। इस रूटीन को आप फॉलो करो, आप 2-4 दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं करो, आप स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन सिर्फ रात को नाइट क्रीम लगा के सो जाओ, और आप सुबह उठकर देखो, आपको स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा नरिश दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखाई देगी, और बहुत ज़्यादा हाइड्रेट दिखाई देगी। आप 3-4 दिन अगर इस रूटीन को फॉलो कर लेते हो, तो आप, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी स्किन आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आप इस रूटीन को बिल्कुल भी चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे। तो गाइस, इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा जवान और यंग बनाए रखिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, अमायरास मेकओवर करके डालोगे तो आपको मेरी फेसबुक की आईडी मिल जाएगी। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।